अस्सलाम वालेकुम माय डियर सेकंड ईयर, आज हम अपने सेकंड लेक्चर का आगाज़ करेंगे। आज हमारा टॉपिक है बरसगीर का नस्ली पस मंज़र। ज़माने कदीम में बहुत सी नस्लें नकल मकानी करके बरसगीर पाको हिंद में आबाद हुई। इसी बिना पर पाकिस्तानी माशरे को कसीरुल नस्ली माशरा कहा जाता है, यानी ऐसा माशरा जिसमें बहुत सी नस्लों के लोग आबाद हुए हों। अब हम देखते हैं नस्ल किसे कहते हैं। नस्ल दरअसल मुश्तरका मौरूसी खसूसियात रखने वाली नू के लिए इस्तेमाल होती है, यानी नस्ल से मुराद यकसा माहौलियाती और उज़वियाती सफ़ात रखने वाले अरकान हैं। ये अरकान किसी ख़ास खित्ते में महदूद होते हैं, यानी ऐसे अरकान जिनके माहौल एक जैसा हो और इनके जिस्म के अज़ा एक जैसे हों और ये किसी ख़ास एरिया में रहते हों। जैसे कि हम चाइनीज़ को देख के पहचान जाते हैं, उनकी छोटी छोटी आँखों की वजह से ये चाइनीज़ लोग हैं, और हबशियों को पहचान जाते हैं कि ये हबशी नस्ल के लोग हैं, उनके मोटे मोटे होंठ और उनके काले रंग गुंगराले बालों की वजह से कि ये हबशी लोग हैं और ये ख़ास एरिया में ये रहते हैं। आर्थर कैथ ने जिल्द की रंगत के तबार से नस्ल की चार किस्में बताई हैं, यानी चार किस्मों के लोग हैं। एक सफ़ेद, नंबर टू जर्द, नंबर थ्री सांवली, नंबर फोर स्याह। कैथ के मुताबिक इस फ़र्क का जो सबब है वो गदूदों की कारकर्दगी पर है। नेस्ट्रोक ने अलाकाई और शक्ली मुशाबत के लिहाज से नस्लों की तीन किस्में बयान की हैं, नंबर वन नीग्रो, नंबर टू ऑस्ट्रक्स, नंबर थ्री मंगोल। अब हम देखते हैं सबसे पहले नीग्रो को, ये किस किस्म के लोग थे। बरसगीर में सबसे पहले जो आबाद हुए थे वो लोग नीग्रो थे। ये लोग अफ्रीका की स्याह फाम नस्ल में से थे, यानी काले ये लोग थे। आज भी इनकी ज़्यादातर तादाद वस्ती और जनूबी अफ्रीका में आबाद है। तहम ये लोग ईरान और बलूचिस्तान के रस्ते बरसगीर पाको हिंद में दाखिल हुए, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि बाद में आने वाले लोगों ने या तो इन्हें कत्ल कर दिया या अपने आप में ज़म कर लिया। और इनकी सकाफत के जायजे से ये बात सामने आती है कि ये लोग खुराक पैदा करने की बजाय खुराक जमा करने वाले लोग थे। इसी वजह से इनकी सकाफत में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, यानी कोई तरक्की और डेवलपमेंट नहीं हुई। आगे नंबर टू ऑस्ट्रस को देखते हैं। नीग्रो नस्ल की आमद के बाद बहरा रूम के खित्ते के सफ़ेद फार्म लोग इसी रस्ते बरसगीर पाको हिंद में दाखिल हुए थे, जिन्हें ऑस्ट्रस कहते हैं। इस नस्ल के लोग दुनिया के हर कोने में आबाद हैं और इनकी ज़्यादातर तादाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा में आबाद है। ऑस्ट्रस जो नस्ल के इंडो रूमी शौक के जो अफराद हैं वो भारत, पाकिस्तान, कश्मीर, इटली और रूस में भी हैं। माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये लोग तकरीबन 4000 साल कबल मसीह बरसगीर पाको हिंद में नुमाया रहे। अब हम देखते हैं कि बरसगीर के जो है तहजीब में ऑस्ट्रक्स ने क्या क्या काम सर अंजाम दिए। नंबर वन, ज़रई आलात का इस्तेमाल। अब ज़रई आलात में उन्होंने खुदाल और खुरपे का इस्तेमाल उन्होंने आम किया। ये लोग इन औज़ारों से ज़मीन खोदने का काम लेते थे, जिससे ज़रई पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। नंबर टू, काश्तकारी। काश्तकारी में इन्होंने चावल और सब्जियों की फसल उन्होंने काश्त की, इनकी नुमाया कामयाबी थी इसमें। तकरीबन 4000 साल कबल मसीह ऑस्ट्रक्स ने बरसगीर में चावल की फसल काश्त की, जो कि आज जदीद तरीक़ों से पाकिस्तान में काश्त हो रही है। इसी वजह से ऑस्ट्रक्स को चावल की काश्त का मौजद कहा जाता है। अलावा जी जंगली जड़ी बूटियों को अच्छे अंदाज से काश्त करके उन्होंने सब्जियों की काश्त का जो 4000 साल पहले आगाज़ किया। इस तहम इससे पहले इस खत्ते में काश्तकारी का निज़ाम नहीं था और या ना होने के बराबर था। नंबर थ्री, इनका क्या कारनामा था। मुर्गबानी, यानी मुर्गियां पालना इनका पसंदीदा मशगला था। वो बड़े शौक़ से अंडे और मुर्गियां खाया करते थे। कोई इनके जब खुदाई हुई तो कोई ऐसा जो है नविश्ता नहीं मिला कि वो किस किस्म की मुर्गियां पाला करते थे। तहम खुदाई से बहुत सारी मुर्गियों की बाकियात मिली थी इनकी एरियाज की खुदाई से। आगे है नंबर फोर, हाथियों को सुधारना। हाथियों जैसे दियोकत जानवर सुधारना इनका पसंदीदा मशगला था, क्योंकि हाथियों को सफ़र और जंग के लिए इस्तेमाल किया करते थे, या फिर हो सकता है कि इस वक्त दिफाई नुक्ता नज़र से हाथी ही ज़्यादा इनके लिए मौसर हों, इस वजह से वो हाथी को इस्तेमाल किया करते थे। नंबर फाइव है कश्ती की ऐजाद। ऑस्ट्रक्स चूँकि बहरा रूम के खित्ते से बरसगीर पाको हिंद में दाखिल हुए थे, इसलिए कश्तियों के इस्तेमाल को इन्होंने लोगों में मुतारिफ़ करवाया। ताहम ऑस्ट्रक्स ने कश्तियाँ बनाने के लिए लकड़ी के इस्तेमाल को आम किया, मकामी लोगों को भी ये फ़न सिखाया।
इस ज़माने में इंसान ने यहाँ काश्तकारी शुरू की। कुदाल और खुरपे की मदद से काश्तकारी इन्हीं लोगों की ईजाद थी। चावल और सब्ज़ियाँ इन्होंने ही काश्त करना शुरू की थी। मुर्गबानी और हाथों को सुधारना इनका पसंदीदा मशगला था। नीज़ सूती कपड़े का भी ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। अब हम देखते हैं मंगोल। इस नस्ल के लोग ज़र्दफाम थे, ठीक है, दरमियाना सा रंग। इनके बाल स्याह और स्याही माइल होते थे। आंखें गहरी भूरी, नाक चिपटे और कद दरमियाने से थे। इनके जिस्म और छाती पर बहुत कम बाल होते थे। हमारी ज़मीन पर जो आधी आबादी है वो इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखती है। इनकी ज़्यादातर तादाद जो है चीन, मंगोलिया, कोरिया, जापान, साइबेरिया, जनूब मशरक़ी एशिया और ताइवान में पाई जाती है। इसके अलावा चित्राल के तातारी, सामेरी, हज़ारा और मुग़ल भी इसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इनमें जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो आपके MCQs भी बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। इस हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।